हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। इसमें हम बर्ड्स के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। हम इसमें बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फेदर्स के बारे में, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स के बारे में पढ़ेंगे, फीट एंड क्लॉज, नेस्टिंग, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, और बर्ड्स की कैसे केयर करते हैं वो हम पढ़ेंगे। व्हाट हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई? तो बर्ड्स की फ्लाई करने में क्या हेल्प करता है? विंग्स हेल्प करते हैं बर्ड्स की फ्लाई करने में। अब आपको यहाँ पे बताना है, व्हाट इज अ बेबी बर्ड ऑफ अ हैन कॉल्ड? तो आप यहाँ बताओगे कि जो हैन का बेबी बर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। तो आप यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स गिवन है, उनको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और आपको बताना है कि वो कौन सी बर्ड है। यहाँ पे इन ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। हैव यू एवर वेकन अप टू द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग? इफ यू लुक आउट ऑफ योर विंडो, यू सी मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन द स्काई एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एनिमल्स ऑन द अर्थ। देर आर मेनी कलरफुल बर्ड्स अराउंड अस, वी ऑल्सो लाइक टू वॉच देम। ह्यूमन बींग्स गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग एरोप्लेन्स फ्रॉम द बर्ड्स। तो आप जब सुबह उठते हो, कभी आपने सुबह उठे हो और आपने सुना बर्ड्स की चर्पिंग आपने सुनी हो, अगर आप विंडो से बाहर देखोगे तो आप क्या देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स दिखती हैं स्काई में, और बहुत सारे ब्यूटिफुल एनिमल्स दिखते हैं आपको अर्थ पे। काफ़ी कलरफुल बर्ड्स होती हैं और जिन्हें हमें देखना भी पसंद होता है, काफ़ी ब्यूटिफुल लगती हैं। ह्यूमन बींग्स को एरोप्लेन का जो आइडिया मिला वो बर्ड्स से ही मिला। हम सबसे पहले उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट अ बर्ड कैन फ्लाई वाइल अदर एनिमल्स कैन नॉट। वॉट मेक्स अ बर्ड फ्लाई? अ बर्ड हैज मेनी स्पेशल फीचर्स दैट अदर एनिमल्स डू नॉट हैव। अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी, इट हेल्प्स इट रिमेन इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हमें पता है कि बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी एनिमल्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बर्ड्स को फ्लाई करती कैसे हैं, कैसे वो फ्लाई कर सकती हैं, और ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो बर्ड्स में होते हैं और बाकी एनिमल्स में नहीं होते हैं। बर्ड्स की जो बॉडी होती है बहुत ही लाइट वेट होती है, जिसकी हेल्प से जिसकी वजह से वो एयर में काफ़ी लॉन्गर टाइम के लिए वो रह सकते हैं। बोन्स ऑफ अ बर्ड आर हॉलो एंड फिल्ड विद एयर। तो जो बर्ड की बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, एयर फिल्ड होती हैं। दिस मेक्स देम लाइट, तो इसलिए वो लाइट होती हैं। दो इट्स बोन्स आर लाइट बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। भले ही बर्ड्स की बोन्स जो होती हैं वो लाइट होती हैं, हॉलो होती हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप्ड, इट हेल्प्स इट टू कट थ्रू दी एयर। तो बर्ड की जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है, जिसकी हेल्प से वो एयर को कट करके फ्लाई कर पाती है। ऑल द बर्ड्स हैव वन बीक, टू आईज, टू विंग्स, टू लेग्स विद क्लॉज ऑन ईच फुट, एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ देम इन डिटेल। तो हर बर्ड के पास एक बीक होती है, टू आईज होते हैं, टू विंग्स होते हैं, टू लेग्स होते हैं क्लॉज के साथ ईच फुट पे, और उनकी पूरी बॉडी पे फेदर्स से कवर हुई होती है। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई? अ बर्ड फ्लाई कैसे करती है? अ बर्ड हैज टू विंग्स, बर्ड के दो विंग्स होते हैं। द विंग्स आर लाइक इट्स आर्म, उसके आर्म्स की तरह, जैसे हमारे आर्म्स होते हैं इसी तरह से बर्ड के लिए आर्म्स उनके विंग्स होते हैं। दे हैव फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई इन द एयर। उनके फेदर्स होते हैं जो उनको एयर में फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। व्हेन अ बर्ड गेट्स रेडी टू फ्लाई, इट फ्लैप्स इट्स विंग्स क्विकली टू पुश थ्रू द एयर एंड राइजेस अप स्लोली इन टू द एयर। तो जब बर्ड को फ्लाई करना होता है, वो फ्लाई करने के लिए रेडी हो रही होती है, तो अपने विंग्स को बहुत तेजी से फ्लैप करती है, बहुत तेजी से, कि वो एयर को पुश करती है और धीरे धीरे राइज करती है एयर में, और फिर वो फ्लाई करती है। इट्स लाइट बॉडी हेल्प्स इट टू टेक ऑफ इजीली, और क्योंकि बर्ड की बॉडी बहुत लाइट होती है तो इसलिए वो टेक ऑफ आसानी से कर पाती है। द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। तो और जो बर्ड की टेल होती है वो उसको उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। अ बर्ड फ्लाइज बाय सिंपली फ्लैपिंग इट्स विंग्स अप एंड डाउन। द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो बर्ड सिंपली कैसे फ्लाई करती है, अपने सिंपली अपने विंग्स को अप एंड डाउन वो फ्लैप करती है, जिसकी हेल्प से वो फ्लाई कर पाती है। बर्ड्स के विंग्स के टू मूवमेंट्स है, सिंपल डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। सबसे पहले डाउन स्ट्रोक पढ़ते हैं, जिसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, दिस स्ट्रोक प्रोड्यूसेस लिफ्ट एंड थ्रस्ट।
तो विंग्स बर्ड के कैसे मूव करते हैं? डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं, जिससे लिफ्ट और थ्रस्ट प्रोड्यूस होते हैं और बर्ड मूव करती है। अब स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक हम पढ़ते हैं, द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, दिस स्ट्रोक स्लोज द बर्ड डाउन। अब विंग्स अपवर्ड मूव करते हैं और बैकवर्ड मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्ड को स्ट्रोक मिलता है स्लो डाउन होने का। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच एंड किवी कैन नॉट फ्लाई, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो फ्लाई नहीं कर सकती है, जैसे ऑस्ट्रिच एंड किवी। अब हम इनके फेदर्स के बारे में बात करते हैं। फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड, दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, कीप इट्स बॉडी वार्म एंड गिव इट अ शेप। बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विद टू टाइप्स ऑफ फेदर्स, डाउन फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स। तो फेदर्स बर्ड का मोस्ट यूनिक फीचर है, ये उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है, ये बॉडी को वार्म रखता है और उसको शेप देता है। तो जो बर्ड की बॉडी होती है वो टू टाइप्स ऑफ फेदर्स से कवर्ड होती है, डाउन फेदर्स और फ्लाइट फेदर्स। तो सबसे पहले डाउन फेदर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल हेयर लाइट फेदर्स दैट कवर द बर्ड्स बॉडी आर कॉल्ड डाउन फेदर्स। तो काफी स्मॉल हेयर होते हैं और बहुत लाइट फेदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को कवर करते हैं, उन्हें हम डाउन फेदर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइट फेदर्स, फेदर्स दैट आर अटैच द विंग्स एंड टेल्स ऑफ द बर्ड्स आर बिगर इन साइज एंड स्ट्रॉन्गर, दीज आर नोन एज फ्लाइट फेदर्स। अ फ्लाइट फेदर हैज द कंट्रोल रॉड और क्विल, दीज फेदर्स आर लाइटली निटेड। तो जो फेदर्स उसके बर्ड के विंग्स और टेल पे अटैच होते हैं और थोड़े बिगर होते हैं साइज में और स्ट्रॉन्गर होते हैं, उन्हें हम फ्लाइट फेदर्स बोलते हैं। इन फ्लाइट फेदर्स में क्या होते हैं, कंट्रोल रॉड होती है, या जिसे हम क्विल भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, और ये फेदर्स लाइटली आपस में निटेड होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स, बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं, दे ईट विद देयर बीक, वो अपनी बीक की हेल्प से ही ईट करती हैं। बट ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक टू सूट द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब हर बर्ड सेम काइंड ऑफ फूड तो नहीं कंज्यूम करती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को कंज्यूम करने के लिए बर्ड्स के पास डिफरेंट काइंड ऑफ बीक प्रेजेंट होती है। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक। ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स, आउल्स एंड हॉक्स आर बर्ड्स ऑफ प्रे, दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, माइस, फ्रॉग एंड स्नेक। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू किल द प्रे एंड टीयर इट्स बॉडी इन टू पीसेस। सो अब ये जो बर्ड्स हैं, जैसे ईगल, वल्चर, काइट्स, आउल्स, हॉक्स, ये क्या करती हैं, ये स्मॉल एनिमल्स को ईट करती हैं। तो इनकी जो बीक होती है काफी स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक्स होती हैं, जिससे कि वो अपने प्रे को किल कर सकती हैं, उसकी बॉडी को टीयर कर सकती हैं पीसेस में, फिर वो कंज्यूम करती हैं। द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज द हमिंग बर्ड, विच वेज ओनली 1.6 ग्राम्स, इट हैज अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। जो वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट बर्ड है वो कौन सी है, हमिंग बर्ड। वो उसका वेट सिर्फ 1.6 ग्राम्स होता है और उसकी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड हॉर्नी बीक के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स लाइक स्पैरोज, पिजन्स एंड फिंचेस हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड हॉर्नी बीक्स, देयर बीक्स हेल्प देम टू क्रश ग्रेन्स एंड सीड्स दे ईट। तो अब कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, पिजन और फिंचेस, ये इन क्या होती है, इनके पास स्ट्रॉन्ग हार्ड और हॉर्नी बीक्स होती है, ये बीक्स उनको ग्रेन्स और सीड्स को कट करने में, क्रश करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कर्व्ड बीक, अब बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स, दे हेल्प देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स। द कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प देम टू ईट इवन हार्ड एंड अनरिपेन्ट फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवास। तो कुछ बर्ड्स जैसे कि पैरट्स, इनकी कर्व्ड बीक होती है, ये उनको नट्स और हार्ड सीड्स को भी क्रैक करने में हेल्प करते हैं। इनकी कर्व्ड बीक और कैसे हेल्प करती है, जो हार्ड और अनरिपेन्ट फ्रूट्स होते हैं, जो अभी राइप नहीं हुए होते हैं फ्रूट्स अच्छे से, उनको भी ये खा पाती है, जैसे मैंगो, एप्पल और गुआवा को भी। स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक, बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स हैव बीक्स शेप्ड मच लाइक चिजल्स, दे यूज देम टू ड्रिल द वुड्स एंड ट्रीज फॉर देयर नेस्ट, क्रैक द नट्स एंड टू डिग आउट वुड, बोरिंग इंसेक्ट्स फॉर फूड। तो अब कुछ वर्ड्स जैसे कि वुडपेकर, इनकी बीक्स काफी चिजल शेप होती है, क्या करते हैं ये ट्री, जो वुड होती है ट्री की, उसको ये ड्रिल करते हैं, जिससे अपने नेस्ट बनाते हैं, नट्स को क्रैक करने में हेल्प करते हैं, और जो वुड बोरिंग इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपनी बीक से उभार डिग आउट कर सकती है फूड के लिए।
नेक्स्ट, ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. स्वैलोज हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक. देयर माउथ इज वेरी स्टिकी फ्रॉम इनसाइड. द स्वैलोज गो राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक्स ओपन. दे कैच टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज विच स्टिक इनसाइड देयर माउथ वाइल्ड फ्लाइंग. अब जो स्वैलोज होती है इनकी बीक्स काफी ब्रॉड होती है और बहुत शॉर्ट होती है. इनका माउथ काफी स्टिकी होता है अंदर से. तो क्या होता है, जब ये फ्लाई करती हैं ये अपनी बीक्स को ओपन करके फ्लाई करती है, जिससे क्या होता है कि जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स इनके रास्ते में आते हैं फ्लाई कर होते हैं जो साथ में, वो इनके माउथ में स्टिक करते हैं और फिर ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक. बर्ड्स लाइक किंगफिशर्स एंड स्टॉर्क्स हैव ब्रॉड लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. द बीक हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर्स पॉन्ड्स फॉर देयर फूड. A sun bird also has a long and pointed beak. Its beak is thin and it helps to suck nectar or juice from fruits or flowers. तो अब कुछ birds जैसे कि kingfishers, storks, इनकी broad, long और pointed beak होती है. ये क्या करते हैं, fish को rivers में से fish को catch करने में या ponds में से अपने food को catch करने में ये help करती है. और जो sun bird होती है उसके काफी लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है और उसकी बीक इतनी थिन होती है कि वो फ्लावर्स में से नेक्टर या फ्रूट्स में से जूस को भी सक करने में हेल्प करते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स एंड गूस हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. दीज बीक्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड शॉवल्स एट द साइड. दे टेक इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड प्लांट्स. The mud and water flows out through the small holes, leaving insects, plants and worms inside their beaks. अब कुछ birds ऐसी होती है जैसे duck, crane और goose. इनकी काफी broad और flat beaks होती हैं और इनके beaks में tiny holes होते हैं जिन्हें हम shovels बोलते हैं sides पे. तो ये क्या करती हैं, ये muddy water लेती हैं जिसमें insects, worms, plants ये सारी चीजें muddy water के साथ ये consume कर लेती हैं. और ये जो मड होती है, जो वाटर होता है, ये इनके शॉवल्स में से फ्लो आउट कर जाता है और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स, प्लांट्स और वॉर्म्स थे वो इनके बीक में अंदर ही रह जाते हैं. वॉट वुड हैपन इफ देयर वर नो साइड होल्स ऑन द बीक ऑफ अ डक. तो अगर डक के साइड होल्स ना हो बीक पे तो क्या होगा, फिर ये जो मड और जो वाटर होगी वो बाहर फ्लो आउट करेंगे ही नहीं, वो सारी डस्ट और वो मड भी अंदर ही चली जाएगी. नेक्स्ट, अब हम इनके फीट एंड क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं. लाइक बीक्स, बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीट एंड क्लॉज. द फीट एंड क्लॉज हेल्प द बर्ड इन प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीट एंड क्लॉज ऑफ अ बर्ड. तो अब बीक्स की तरह ही बर्ड्स के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीट और क्लॉज भी होते हैं. ये फीट और क्लॉज बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके एनिमीज से. देखते हैं कैसे करते हैं. पर्चिंग बर्ड्स. Sparrows, pigeons, crows, and mynas are called perching birds. They have three toes in front and one at the back of each foot. They have thin and long claws. Such claws help the bird in holding the branches of trees firmly. These birds can even sleep while perching. So, sparrow, pigeon, crows, mynas, ये जो होती हैं ये सारी perching birds होती हैं. इनके toe, इनके three toes होते हैं front में और एक बैक में होता है फुट के. तो ये क्या होता है, इनके पास काफी थिन और लॉन्ग क्लॉज होते हैं. ये क्लॉज बर्ड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ट्रीज को अच्छे से पकड़ने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स कैन इवन स्लीप व्हाइल पर्चिंग, ये पर्चिंग करते हुए सो भी सकते हैं. नेक्स्ट, क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक पैरट्स एंड वुड पैकर्स हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टू टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. These help them climb in climbing to the bark of the trees. So, climbing birds जैसे parrot और woodpeckers ये क्या होते हैं, इनके पास दो toes इनके upwards pointing होते हैं और दो toes इनके downwards pointing होते हैं. ये trees को climb करने में, उनके bark पे climb करने में help करते हैं. Next is flesh eating birds. Birds of prey like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. These talons help them to catch life prey like toads, rats and small birds. अब कुछ birds जैसे कि eagle, vulture, hawk, इनके काफी strong और sharp claws होते हैं जिनको talons बोलते हैं. ये इनको prey को अपने catch करने में help करते हैं, जैसे toads, rats, small birds इनको catch करने में help करते हैं. Next हम पढ़ते हैं scratching birds. Birds like hens, roosters have strong legs with three toes in front and one toe at the back.
These toes have sharp and hard claws to help them scratch the ground for insects and worms. अब कुछ बर्ड्स जैसे कि हैंस और रूस्टर्स होते हैं, इनके काफी स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। थ्री टोज फ्रंट में होते हैं और एक टो बैक में होता है। ये टो काफी शार्प और हार्ड क्लॉज होते हैं इनके, जो ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, जिससे ये इंसेक्ट्स और वॉर्म्स को कैच करते हैं। वल्चर, ईगल, हॉक्स एंड आउल्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे बिकॉज दे ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल। इन्हें हम बर्ड्स ऑफ प्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्मॉल एनिमल्स को, स्मॉल बर्ड्स को ये कंज्यूम करते हैं। वैडिंग बर्ड्स, बर्ड्स लाइक हेरॉन एंड क्रेन वॉक थ्रू वॉटर। क्रेन्स हैव लॉन्ग लेग्स विद स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प देम टू वॉक इन वॉटर। दे स्प्रेड फ्रॉम सिंकिंग इन टू द मड इन पॉन्ड। दीज बर्ड्स पिकअप फिश फ्रॉम द वॉटर। कुछ बर्ड्स जैसे कि हेरॉन और क्रेन होती है, वो वाटर पे वॉक करती हैं। अब क्रेन्स के काफी लॉन्ग लेग्स होते हैं विथ स्प्रेड आउट टोज, उनके टोज भी काफी स्प्रेड आउट होते हैं, जो उनको वाटर में वॉक करने में हेल्प करते हैं। और ये पॉन्ड में, मड में सिंक भी करने में स्प्रेड कर लेते हैं। दीज बर्ड्स पिकअप फिश, ये वाटर में से फिश को भी पिकअप करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विमिंग बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वैन्स हैव वन टो एट द बैक ऑफ ईच फुट। दे हैव स्किनी वेब्स बिटवीन द टोज। दीज हेल्प्स द बर्ड्स टू पुश वाटर अवे लाइक पडल्स। द फ्लैट फीट ऑफ डक्स मेक देम टू वॉक ऑन द ग्राउंड इन अ क्लम्सी वे। तो कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स और स्वैन्स होती हैं, इनके बैक साइड पे वन टो होता है हर फुट के, और इनके टोज के इन बिटवीन में वेब्स होते हैं, स्किनी वेब्स होते हैं, जो इनको वाटर को पुश करने में हेल्प करती हैं। तो इसी फ्लैट फीट की हेल्प से ये एक क्लम्सी वे में वॉक करती हैं ग्राउंड पे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं नेस्टिंग के बारे में। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। दे बिल्ड देयर नेस्ट हाई अप ऑन द ट्रीज, इन वॉल्स एंड क्लिफ्स, ऑन द ग्राउंड और इन हाउसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। दे यूज ट्विग्स, ग्रास, फेदर्स, कॉटन, वूल, लीव्स एंड समटाइम्स इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो बर्ड्स अपने नेस्ट बिल्ड करती हैं जिसमें वो एग्स ले करती हैं। वो नेस्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे बिल्ड करते हैं, वो ट्रीज पे बिल्ड करते हैं, वॉल्स पे, क्लिफ पे या ग्राउंड पे, हाउसेस में बिल्ड करती हैं। ये बैड वेदर से और एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं उनको। वो किस किस का यूज करती है? वो ट्विग्स का यूज करते हैं, ग्रास का यूज करते हैं, फेदर, कॉटन, वूल, लीव्स, और समटाइम्स वो मड का भी यूज करते हैं अपने नेस्ट को बिल्ड करने के लिए। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होती हैं और वो सब डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट अपना बनाती हैं। Owls and woodpeckers build their nest inside trees. The woodpecker pecks a tree trunk using its beak to make a hole in it. The hole is used as a nest. So, owls और woodpeckers जो होती हैं, वो tree के inside में अपने nest build करती हैं। तो woodpecker क्या करता है? वो tree के trunk में hole कर देता है अपनी beak की help से, और उस hole को वो as a nest use करते हैं। The eagle and the vulture make nest by gathering a few sticks and simply putting them together in the shape of a shallow cup. Eagle make nest on high rocks. They are called eyries. तो ईगल और वल्चर अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं? सिंपली फ्यू स्टिक्स को वो इकट्ठा करते हैं, वो गैदर करते हैं, और उनको बस एक शैलो कप के शेप में वो उनको पुट कर देते हैं। तो ईगल नेस्ट कहाँ बनाते हैं? वो काफी हाई रॉक्स पे बनाते हैं, जिन्हें हम आईरीज बोलते हैं। द वीवर बर्ड यूजेस ग्रास, ट्विग्स and leaves to weave a nest with its beak. There is an opening at the bottom of the nest for the bird to enter. तो weaver bird कैसे बनाती है? वो grass, twigs और leaves का use करके अपना nest weave करती है अपनी beak की help से, और वो bottom में एक opening रखती है अब enter करने के लिए। The tailor bird stitches two broad leaves together to make its nest. It uses its sharp beak as a needle to sew the leaves with cotton, hair or wool. अब जो टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है? वो टू ब्रॉड लीव्स को आपस में स्टिच कर देती है, अपनी बीक को एज अ नीडल यूज करती है वो, और कॉटन, हेयर या वूल की हेल्प से उन लीव्स को वो आपस में स्टिच कर देती है। किंग फिशर, शेल डक एंड सैंड मार्टिन डिग लॉन्ग टनल्स एंड देन डिपॉजिट देयर एग्स इन देम। अब किंग फिशर, शेल डक या सैंड मार्टिन जो होती है वो क्या करती है? टनल्स डिग करती है काफी लॉन्ग, और उसमें एग्स डिपॉजिट कर देती है। पिजन्स एंड स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट ऑन विंडो एजेस।
वेंटिलेटर्स एंड इवन ऑन सीलिंग फैंस विद लीव्स, ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स. अब जो पिजन्स और स्वैरोज होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपने विंडो एजेस पे, वेंटिलेटर्स पे या सीलिंग फैंस पे भी लीव्स, ड्राई ग्रास और ट्विग्स की हेल्प से अपना नेस्ट बनाती हैं. पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स. तो पेंगुइन्स ग्राउंड पे नेस्ट बनाते हैं कुछ स्टोन्स और पेबल्स की हेल्प से. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स. अब हम बर्ड्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं. द लार्जेस्ट एग ऑफ अ बर्ड वॉज लेड बाय एन ऑस्ट्रिच. द स्मॉलेस्ट एग वॉज लेड बाय अ हमिंग बर्ड. एग ऑफ अ हमिंग बर्ड इज साइज ऑफ अ पी. तो जो लार्जेस्ट एग है बर्ड का वो ऑस्ट्रिच ने ले किया था और स्मॉलेस्ट एग हमिंग बर्ड ने ले किया है. हमिंग बर्ड का जो एग होता है वो साइज ऑफ अ पी के बराबर होता है. बर्ड्स मेक साउंड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. बर्ड्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, वो साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं. पेंगुइन इज दी ओनली बर्ड दैट वॉक स्ट्रेट. तो पेंगुइन सिर्फ एक ऐसी बर्ड है जो स्ट्रेट वॉक करती है. हेंस एंड पिकॉक्स कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस. हेंस और पिकॉक्स बस एक शॉर्ट सा डिस्टेंस ही फ्लाई कर सकते हैं. देर आर सॉन्ग बर्ड्स दैट ईट इंसेक्ट विच हार्म प्लांट्स एंड ट्रीज एंड इन एडिशन दे ऑल्सो ईट फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स. अब सॉन्ग बर्ड्स भी होती हैं जो ऐसे इंसेक्ट्स को ईट करती हैं जो प्लांट्स और ट्रीज को हार्म करते हैं. तो इसके साथ साथ वो फ्रूट्स, नट्स और सीड्स को भी कंज्यूम करते हैं. केयरिंग द यंग बर्ड्स. अब यंग बर्ड्स की केयर कैसे करें. बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट वाइल वन ऑफ द पेरेंट सिट्स ऑन द एग टू वार्म देम. द अदर पेरेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. आफ्टर अ फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. द पेरेंट बर्ड फीड द यंग बर्ड्स एंड लुक आफ्टर देम. तो बर्ड्स क्या करती है, अपने नेस्ट में एग ले करती हैं. अब एक पेरेंट उन एग पे बैठता है उसको वार्म्थ प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा पेरेंट उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ दिन बाद, आफ्टर फ्यू डेज, क्या होता है, यंग बर्ड्स उन एग्स में से बाहर आती हैं जिसे हम हैचिंग बोलते हैं और पेरेंट बर्ड ही यंग बर्ड्स को फीड करते हैं और उनकी केयर करते हैं. चैप्टर को सम करते हैं. फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड. द टेल ऑफ अ बर्ड हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. फेदर्स कीप द बॉडी वार्म एंड गिव इट अ शेप. बर्ड्स लाइक पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स. Birds of prey like eagle, vulture and hawk have strong and sharp claws called talons. A tailor bird stitches two broad leaves together to make its nest. तो feathers जो होते हैं वो birds के सबसे unique feature है bird का. और bird की tail जो होती है वो उनको direction change करने में help करती है while flying. Birds के पास जो feathers होते हैं वो उनकी body को warm रखते हैं और उनको एक shape provide करते हैं. बर्ड्स जैसे कि पैरट्स, उनकी कर्व्ड बीक्स होती हैं. और जो प्रे बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं जैसे ईगल, वल्चर, हॉक, इनके काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं जिनको हम टैलॉन्स बोलते हैं. टेलर बर्ड क्या करती है, दो ब्रॉड लीव्स को आपस में स्टिच कर देती है अपना नेस्ट बनाने के लिए. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट. हाउ मेनी विंग्स डज अ बर्ड हैव. बर्ड के कितने विंग्स होते हैं, तो बर्ड के टू विंग्स होते हैं. वॉट मेक्स अ बर्ड फ्लाई. बर्ड फ्लाई कैसे करती है, बर्ड अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करती है. बर्ड्स डू नॉट हैव. बर्ड्स के पास क्या नहीं होते, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द. पेंगुइन्स अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं, पेंगुइन्स अपना नेस्ट ग्राउंड पे बनाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. अ बर्ड हैज अ वेरी लाइट बॉडी. बर्ड की बॉडी कैसी होती है, बहुत लाइट वेट होती है. हॉक्स हैव हुक्ड बीक्स टू किल देयर. हॉक्स की हुक्ड बीक्स होती हैं किसको किल करने के लिए, अपने प्रे को किल करने के लिए. अ फ्लाइट फेदर हैज अ कंट्रोल रॉड और क्विल. फ्लाइट फेदर के पास कंट्रोल रॉड होती है जिसको क्विल भी बोलते हैं. अ सन बर्ड हैज अ लॉन्ग बीक टू सक जूस फ्रॉम फ्रूट्स. तो जो सन बर्ड होती है उसकी काफी लॉन्ग बीक होती है जिसकी हेल्प से वो फ्रूट्स में से जूस सक करती है, फ्लावर्स में से नेक्टर सक करती है. डैश मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद अ फ्यू स्टोन्स एंड पेबल्स. तो ग्राउंड पे नेस्ट कौन बनाते हैं, कुछ स्टोन्स और पेबल्स से पेंगुइन्स बनाते हैं. लिखेंगे पेंगुइन्स. राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस. तो करेक्ट स्टेटमेंट के लिए टी लिखेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए एफ लिखेंगे. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज बोट शेप्ड. बर्ड की जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है, ट्रू उसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं. पेंगुइन्स बीक्स हेल्प देम टू क्रश द ग्रेन. पेंगुइन्स की जो पिजन्स की जो बीक होती है वो उनके ग्रेन्स को क्रश करने में हेल्प करता है, ट्रू पिजन्स.
गूस एंड डक हैव लॉन्ग लेग्स, गूस और डक के काफी लॉन्ग लेग्स होते हैं, तो ट्रू। पिजन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द रॉक्स, पिजन्स अपना नेस्ट रॉक्स पे बनाते हैं, फॉल्स, पिजन अपने रॉक्स पे नहीं बनाते हैं। पेरेंट बर्ड्स फीड देयर यंग बर्ड्स, यंग बर्ड्स को पेरेंट बर्ड्स फीड करते हैं, ट्रू करेक्ट, वो उनकी केयर करते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा, उनके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और सब कुछ हमने अच्छे से समझा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।